वैसे इनकी आवाज़ बहुत अच्छी है। अभी इनका मैंने पहले सॉन्ग सुना था, ओ मेरे यार तू मेरा प्यार सदा रहे तू नहीं, सलामत, दम है आवाज में, बोलते वो ना। सॉन्ग इतना पसंद आया था ना मुझे। सब्सक्राइब कीजिए एम्ब्रोज रिएक्शंस यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप देख सकें हमारे वीडियोस सबसे पहले। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एम्ब्रोज रिएक्शंस। और आज हम रिएक्शन करने वाले हैं कोक स्टूडियो के एक और सॉन्ग पर जिसका नाम है दिलदार सदके। जावेद अहमद और एलिजाबेथ राय ये क्रिश्चियन हो सकती है। सो इनका ये सॉन्ग है कोक स्टूडियो 11 एपिसोड 9। तो चलो, तो इंडिया में लगाते हैं ना लोग ऐश्वर्या राय। हाँ, तो इंसान ही लगाते हैं वहाँ पे भी, इंसान ही। नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि क्रिश्चियन राय हो सकते हैं वहाँ, शादी उसने किसी राय से कर ली हो, ये कुछ भी हो सकता है। सो चलो इस सॉन्ग को पहले देखते हैं, फिर डिस्कशन करेंगे इस बारे में। हियर वी गो। साउंड ऑफ नेशन, साउंड ऑफ नेशन। सोनिए माय लव, ये आवाज इसे लग रही कुछ पुराने सिंगर जैसी, पुराने सिंगर ही वो जैसा। इनका मैंने एक और सॉन्ग सुना हुआ है, बहुत अच्छा सॉन्ग था, आर्मी सॉन्ग था। जानते दिल ने होंदे को, जिवें जानते दिल ने होंदे को, जिवें फुल्ला नाल ने कलियां। ये काले नाच भी बिछा हुआ है, फिर कोई डांस करेगा क्या आज? ये भी लग रहा है कोई पुराना सॉन्ग रिक्रिएट किया है। बड़ा तू शर्माउनी है, ओ कानू तड़पाउनी है। शादी सॉन्ग है, क्या बात है, पंजाबी सॉन्ग है। ओए, हाँ पंजाबी है पूरा। चोरी चोरी तक मैनू दिल भर जावे, सामने जे आवे ते तू होश भुलावे, तिखियां निगाहां वाले तीर चलावे, चुनरी दे ओले मुख फिर भी लुकावे, जे मैं तेरे दिल विच वसदा हां ते दिल नू तली ते धर के, होए सोणीए तू आ जा दिलदार सदके, आ जा हिरिए नील अखबार सदके, सोणीए तू आ जा दिलदार सदके, आ जा हिरिए नील अखबार। इसी लड़की के ऊपर बनाया ना। काफी क्यूट वॉइस है, बहुत क्यूट है। बहुत पतली आवाज है, तो क्यूट बच्ची। हाँ बहुत, हाँ वही वही क्यूट लग रही है। ਤਾਰਾ ਚੰਦਰ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਹੋਵੇ ਕਿੰਜ ਗੁਜ਼ਾਰਾ।
लाइव हम मिल चुके हैं, अब ये प्लानिंग करें कहाँ जाना है। बहुत प्यारी आवाज है यार, अभी तक की सबसे मतलब सबसे बेस्ट, सबसे क्यूट क्यूट प्यारी स्वीट ज़्यादा सुन। वाओ यार आउटस्टैंडिंग, वाओ। खैर जो भी है, बंदी की आवाज़ बड़ी प्यारी लगी यार, बड़ी सुनी। एलिजाबेथ राय था वैसे। जावेद अहमद ने लास्ट में जब वो गाया था, दोनों गाए थे ना, तो जावेद अहमद ने उनकी आवाज़ को दबा दिया था, इतनी खतरनाक आवाज़ थी भाई, मतलब कि वजन था एक तरफ वजनदार वॉइस थी, दूसरी तरफ बहुत स्वीट वॉइस थी। एलिजाबेथ की वॉइस सुनकर ना मुझे, एक मेरी टीचर थी हिंदी टीचर स्कूल में, मतलब बहुत स्वीट नेचर की थी, मतलब इनको देखकर भी मुझे हिंदी टीचर ऐसी हिंदी टीचर्स की आवाज़ ज़्यादातर ऐसी रहती है, मेरी भी हिंदी टीचर ऐसी थी बिल्कुल, उनकी आवाज़ भी ऐसी थी। सो मुझे उनकी याद आ गई मुझे, और वो काफ़ी स्वीट, जितनी स्वीट उनकी आवाज़ थी, ये जो थे ना, मुझे लगता है इनका नेचर रियल में भी बहुत स्वीट स्वीट होगी। और जो जावेद अहमद साहब थे, इनकी आवाज़ मेरी मैथ्स के सर जैसी लगती है मुझे, मैथ्स वाले, मुझे केमिस्ट्री वाले सर जैसी लगती है। सच में यार वो ऐसे ही थे। वैसे इनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, अभी इनका मैंने पहले सॉन्ग सुना था, ओ मेरे यार तू मेरा प्यार सदा रहे तू सलामत, एकदम आवाज़ में वो सॉन्ग इतना पसंद आया था ना मुझे। इनसे ना आर्मी सॉन्ग गाना चाहिए, इनकी जब सॉन्ग में बेस्ट बैठते हैं यार। एक टाइम जब एज ज़्यादा होती है ना, तो इंसान की आवाज़ जो है थोड़ी हेवी हो जाती है, उस टाइम वो सॉन्ग सुनेगा ना तू ओ मेरे यार तू मेरा प्यार, तो इनकी आवाज तुझे भी ऐसा लगेगा बहुत स्वीट वॉइस है। अच्छा हाँ नहीं, बाकी ये सच में बता रहा हूँ, इनसे आर्मी सॉन्ग में इतने फिट बैठते हैं ना, आर्मी सॉन्ग अगर इनसे एक अगर कोई भी गावा है अगर आर्मी सॉन्ग, तो बेस्ट बैठते हैं उस पे आर्मी सॉन्ग पे, जो बोलते हैं ना जुनून वाले सॉन्ग जो होते हैं उस टाइप के पंजाबी। हाँ पंजाबी सॉन्ग तो कोई सा भी गवा लो इनसे, मतलब ये सॉन्ग इन्हीं के लिए था, ये बोल सकते हैं कि इन्हीं के लिए सॉन्ग था, और फिट बैठे इस सॉन्ग पे, ऐसे कि ये फिट बैठते हैं जिस जुनून वाले सॉन्ग पे। बहुत अच्छा लगा हमें सॉन्ग, ये एक वेडिंग सॉन्ग था, और जिस तरह से दोनों का मिलना और फिर कराची में घूमने जाना दोनों ने दिखा दिया सॉन्ग के लिरिक्स में, संसार छोड़ के आ गई। हाँ तो सारी पूरी स्टोरी भी अच्छी लगी हमें, दोनों की सिंगर्स की वॉइस भी अच्छी लगी, ओवरऑल सॉन्ग कमाल का था यार। खास करके जो एलिजाबेथ थी उनकी आवाज़ इतनी अच्छी लगी कि डायबिटीज ना हो जाए, बहुत स्वीट वॉइस थी उनकी यार। सो अगर एलिजाबेथ जी अगर ये वीडियो देख रही है हमारी किस्मत से तो प्लीज़ कमेंट कर देना यार, हम पिन कर देंगे बहुत इतनी। सो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए। हाँ, जो एलिजाबेथ को जानता हो वो उनके साथ शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को डेफिनेटली। हाँ और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप हमारे इस तरह के वीडियोज़ डेली देख पाएँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन मेक लव नॉट वॉर।